Hello all, I welcome you to the sixth session of this conference. We have our first speaker, Sanjeev Kumar, and the title for this session is Education Social Reform in Colonial India, and our chair for this session will be Professor Amar Kaur. Please, Sanjeev, go ahead. Thank you. चेयरपर्सन डॉक्टर उमर फारूकी सर एंड वकील सर और हमारे प्यारे दोस्तों, मेरा रिसर्च पेपर जो है वीमेन एजुकेशन इन बिहार ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी। एक्चुअली इस पेपर की शुरुआत से पहले मैं कुछ एजुकेशन के बारे में थोड़ा बिहार के जो बैकवर्डनेस है उस पर फोकस कर दूँ कि रिसेंटली जब मैं खड़ा हूँ तो बिहार में अप्रोक्सीमेट 53.5% वीमेन लिटरेसी रेट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि क्या एक हिस्टोरिकल जो ड्रॉबैक है एजुकेशन का, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बिहार में अभी भी, और 19th सेंचुरी के बिहार में किस तरीके से वीमेन एजुकेशन को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू और क्रिश्चियन मिशनरी और इंडियंस पीपल के थ्रू किस डेवलपमेंट काम हो रहे थे, और कौन कौन से ऐसे की इशूज़ थे जो लेट 19th सेंचुरी में बैकवर्डनेस की ओर, एजुकेशन बैकवर्डनेस की ओर बिहार जा रहा था, और ओवरऑल मेल एंड फीमेल जो एजुकेशन है वो कैसे दोनों डिफर कर रहे थे बिहार में, उसे कौन कौन से कारण थे। तो इसको लेकर बेसिकली हमारा जो रिसर्च है वो प्राइमरी सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, ख़ासतौर पे जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट ग्रेजुएट्स हैं और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा हेमिल्टन बुकानन का जो रिपोर्ट्स हैं ग्रेजुएट रिपोर्ट्स, उन पर बेस्ड है। यानी कि टोटली जो है प्राइमरी वर्क जो है हमारा इस पर है। तो अगर हम बुकानन से ही शुरू करें कि बुकानन क्या अंडरस्टैंड कर रहे थे बिहार के गजटियर के थ्रू, जब 1811-12 में वो बिहार का दौरा में आए थे और उन्होंने अपने बिहार गजटियर में, डिस्ट्रिक्ट गजटियर्स में काफ़ी कुछ मेंशन किया है। इसमें माना है कि जो मुस्लिम भारत था, खास करके मुस्लिम पटना कह सकते हैं या फिर उन इलाकों में जहाँ बिहार का यूरोपियन एरा देख रहे हैं, उसमें झारखंड भी इंक्लूडेड था। तो अगर हम अभी के बिहार के बारे में देखें तो उनका मानना था कि बेसिकली एजुकेशन जो है रिलीजियस था, यानी कि अगर हिंदू हैं तो हिंदू ही रिलीजन बेस्ड एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, एंड मुस्लिम जो है मुस्लिम बेस्ड रिलीजन प्राप्त कर रहे थे एजुकेशन। उनके दो मेजर सेंटर थे, खास करके पटना के पास ही मनेर है एंड सेकंड वन बिहार शरीफ, जो कि नालंदा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बेसिकली जो हेडक्वार्टर हो बिहार शरीफ में नालंदा जिला का। तो दो मेजर सेंटर थे, मुस्लिम एजुकेशन सेंटर थे वहाँ पर। फर्दर पटना के पास में फुलवाड़ी शरीफ भी या फिर मेजर सेंटर ग्रुप में इमर्ज हुआ था, बट ये 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ है। 19th सेंचुरी में दो ही मेजर पार्ट थे यहाँ पर। अगर हिस्टोरिकली देखें तो बिहार एक हिस्टोरिकल लिगेसी लिए हुए हैं एजुकेशन क्षेत्र में, खास करके जब हम देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोम बिहार कुछ करके है, यानी चार बिहार में इस तरह के हमें सेंटर मिलते हैं एंशियंट टाइम में। इसमें इसकी लिगेसी है, एजुकेशन की लिगेसी है वहाँ पर एंशियंट टाइम में भी और मिडिवल टाइम में। ब्रेकडाउन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर ऐसी चीज़ें टकरा रही है जहाँ पर हमें ब्रेकडाउन दिख रहा है, यानी कि जब कॉलोनियल लिगेसी, एजुकेशन का जो कॉलोनियल लिगेसी है, जब वो हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है और हमारे पास जो पहले से चले आ रहे हिस्टोरिकली जो एजुकेशन सिस्टम है उन दोनों में जब टकराव होता है तो किस तरीके के इंस्टीट्यूशन यहाँ पर पैदा हो रहा है, वो हमें भी देखने की यहाँ पर ज़रूरत होगी, और उससे कौन से लोग उसको हिस्टोरिकली अप्रोच करके उसे गेन कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक इशू होगा यहाँ पर। लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं यहाँ पर, ख़ास करके मैं कहूँगा 1850 से पहले की बात करें, तो एक चीज़ देखा गया है कि उन्होंने ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लिया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के फैलावा के लिए। खास करके जब 1813 का एक्ट देखें या फिर 1833 का चार्टर एक्ट देखें, उसमें इंग्लिश एजुकेशन की बात जरूर हो रही है लेकिन प्रॉपर इंटरफेयर वहाँ पर देखने के लिए हमें नहीं मिलता है, जब तक कि वुड डिस्पैच 1854 में इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता है। तो प्रॉपर 1854 में जब वुड डिस्पैच शुरू होता है तब जाकर बिहार में थोड़ा बहुत जो है इंटरफेयर इंग्लिश एजुकेशन क्षेत्र में होना शुरू होता है। उसके पहले क्या हो रहा था बिहार में, थ्रू आउट इंडिया जो है जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने अपना इंटरफेयर करना शुरू किया था। तो हमें एक इंसिडेंट मिलता है खास करके बेतिया में, जो गजटियर है चंपारण का, 1816 में
एक क्रिश्चियन स्कूल खुलता है बेतिया में, ठीक है, एंड वो सर्वाइव नहीं कर पाता ड्यू टू फाइनेंस, यानी कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था फाइनेंस का कि फाइनेंस कौन करेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखने योग्य है कि 1830 के पहले ब्रिटिश में भी एडेड एजुकेशन सिस्टम जो है इम्प्रूव नहीं हुआ था, यानी कि गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन सिस्टम जो है अभी भी बड़े लेवल पर वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उस समय इंडिया में 1813 में 1 लाख रुपीज का इंट्रोडक्शन हो चुका था, इसके बावजूद जो है इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया। तो जब ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में ही लैक ऑफ इंटरेस्ट है तो फीमेल एजुकेशन कहाँ सर्वाइव करेगा, जहाँ पर सोशल हायरार्की है, बैकवर्डनेस है, तमाम चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पहले से ही, तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, उस पर भी थोड़ा हम बात यहाँ पर रखने जा रहे हैं। बुकानन अपने अकाउंट में कहते हैं एक जगह, खास करके बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो 1812 के आसपास जो है बुकानन आते हैं और गया के लिए अटेंड लिखते हैं वो कि करीब 48 ईयर मतलब कि लड़ाई को हो चुके हैं और गया और बिहार एरिया जो है ब्रिटिश के कंकर में आ चुका है, फिर भी एजुकेशन को लेकर कोई भी हलचल नहीं है। और जब गया का ओल्ड गेट लिखा जा रहा था उस समय भी सिंगल स्कूल इंग्लिश मीडियम का या फिर कहते गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल जो है वीमेन के लिए नहीं था, एक भी स्कूल नहीं था, ठीक है। तो 1864 तक एक भी इंग्लिश स्कूल, खास करके गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कूल कह सकते हैं उसको आप, वो अवेलेबल गया जिला में नहीं था। यानी कि इसके अलावा जो जिले वाइज देखेंगे, एरिया वाइज, खासकर पूर्णिया, गया, पटना, भागलपुर, ठीक है, इन सारे एरिया में देखेंगे तो पटना जो है कुछ लीड लेता हुआ नजर आएगा विमेन एजुकेशन के बारे में। पटना चूँकि जाहिर सी बात है कि बंगाली फैमिली एंड मुस्लिम फैमिली का एक रिच ट्रेडिशन वहाँ पर मौजूद है, तो वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं और मुस्लिम एजुकेशन और बंगाली फीमेल एजुकेशन के बारे में जो है थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ पर आएगा। तो बांकीपुर में जा करके एक फर्स्ट फीमेल एजुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम जो है एक बंगाली फैमिली वहाँ इंस्टीट्यूट करते हैं, लेकिन वो भी जब वहाँ इंस्पेक्शन किया जाता है तो उसके बारे में कहा गया कि एक ऐसा स्कूल इसको एड देना चाहिए, बट गवर्नमेंट उसकी सुनवाई नहीं होती है, यानी कि एड किसे दिया जाए इस पर भी सवाल है। इस सवाल का जो हल है देखेंगे हम कि किस तरीके से मोड ऑफ लैंग्वेज जो स्टडी का जो मोड होगा कैसे लैंग्वेज जो क्या होगा उसके ऊपर आकर के रुक जाता है। जो हम आज हिंदी वर्ड सुन रहे हैं वो एक बहुत बड़ा स्पेकल है, यानी कि बहुत बड़ा रोड़ा बनता है एजुकेशन को लेकर के बिहार में। जिस तरीके से एज हम हिंदी को ले रहे हैं वैसा हिंदी नहीं था, ठीक है। जब ये टेम देखते हैं बोलता है कि वह बिहारी लैंग्वेज का वर्ड होता है, बिहारी लैंग्वेज, तो बिहारी लैंग्वेज है क्या? अगर बिहारी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना था तो फिर हिंदी लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी वर्सेज बिहारी का जो डिबेट है वो निकल करके आता है। मैक्सिमम जो मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग डायलैक्ट्स बोल रहे हैं, खास करके कोई भोजपुरी एरिया का है तो भोजपुरी में इंट्रोड्यूस होगा अपने आप को, मगध में मगही है, भागलपुर जाएंगे अंग मिलेगा आपको, ठीक है, और भी अलग जाएंगे तो मिथिला में तो मैथिली मिलेंगे आपको। तो अलग अलग जो है लैंग्वेज डायलैक्ट जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जो महिलाएं इश्यू हैं अपने लोकल लैंग्वेज में वो अपने लोकल लैंग्वेज में ही प्राइमरी एजुकेशन लेना चाहती हैं। ये गवर्नमेंट फोर्स कर रही है यहाँ पर कि नहीं आपको हिंदी में ही एजुकेशन लेना पड़ेगा, नहीं तो एड नहीं मिलेगा, एड लेना है तो हिंदी में आपको आना पड़ेगा। यानी कि जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है, यूनिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज है, वो भी साथ साथ यहाँ पर चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है लिटरेसी रेट के लिए। फीमेल के बारे में जो गेटर लिखते हैं, गेटर में लिखा जाता है, ओवरऑल करीब सभी गेटर मिलता है कॉमन चीज कि जो सोशल बैकवर्डनेस है उसमें आपको सोशल बैकवर्डनेस में खास करके जो पर्दा प्रथा है, पर्दा सिस्टम, ठीक है, तो पर्दा सिस्टम के कारण जो है हमें ये दिक्कत होती है। खासकर सारण के डायरेक्टर में मेंशन करते हैं बुकानन और कहते हैं कि द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर में सारण में पब्लिक 1930 मेंशन डेट डिसाइड प्राइमरी स्कूल्स देयर वर स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ पर्दा नसीन गर्ल्स, यानी कि जो पर्दा नसीन गर्ल्स यानी जो पर्दे में रहती हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन करने का भी प्रोविजन जो है करने की बात कह रहे हैं, ये हमारा ओल्ड गजेटियर बताता है। लेकिन यहाँ भी जो इनिशिएटिव है बहुत कम है, एक हिंदू और एक मुस्लिम, बस दो औरतें हैं जो इनिशिएट कर रही है इसको लेकर के,
और बाकी कोई इनिशिएटिव नहीं दिखता है, यानी कि बड़े पैमाने पर जो इनिशिएटिव दिखना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो इन समाज पास नहीं दिखता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक तो सोशल बैकवर्डनेस है, एक्सेप्टेड है, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर रिसोर्सेज का मैक्सिमम जो इस्तेमाल करना चाहिए था गवर्नमेंट को उन्होंने नहीं किया। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे हंटर कमीशन में खास करके जो रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से सेकेंडरी स्कूल को प्राइवेट हैंड में सौंपने की बात कही गई और प्राइमरी स्कूलिंग को अलग ही कि हम जो है टोटल कंट्रोल करेंगे प्राइमरी स्कूल को, लेकिन सेकेंडरी को प्राइवेट एड देने की बात हो गई और एड किसको देंगे? जो उनके चाहने वाले होंगे, यानी कि उनके मनपसंद के जो लोग होंगे उनको एड देंगे, यानी कि आप हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे और उनके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो पढ़ाएंगे आप, तब आपको ऐड मिलेगा। तो ऐड के लिए भी जो है बहुत सारा मशक्कत करना पड़ रहा था वहाँ पर। शाहबाद, अगर शाहबाद को उदाहरण ले हम यहाँ पर एग्जांपल, तो शाहबाद में भी कहा जाता है कि देयर वाज नो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन फॉर गर्ल्स, यानी कि शाहबाद के जो डॉक्यूमेंट है, गया का जो डॉक्यूमेंट है, ओवरऑल सभी डॉक्यूमेंट में कॉमन चीज़ मिलता है कि जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए था एजुकेशन का वो तो पहले दिक्कत थी हमें, मिडिवल टाइम में भी सिस्टमेटिक नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसी चीज़ को कंटिन्यूटी में जो हम देखते हैं कि कॉलोनियल एरा में भी हमें वही चीज़ देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। थर्ड पॉइंट इसमें जो है फीमेल टीचर को लेकर के है। एक कॉमन चीज़ है कि उस समय फीमेल टीचर का ना होना, तो जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी हम लोग कॉमन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आएगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, भले वो प्रैक्टिकली ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं आ पाया हो सकते हैं, लेकिन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में किसको डाउनवर्ड कर रहे हैं और किसको अप रख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भी अप में मेल हैं और मेल में कौन है? हाई कास्ट मैन। तो वो जब पढ़ेंगे तो लोकल लैंग्वेज में नीचे उसको पढ़ाएंगे, तो मेल तो फीमेल को पढ़ा नहीं सकता। एक अंडरस्टैंडिंग है कि मेल जो है फीमेल या गुरुकुल सिस्टम कह सकते हैं या मदरसा सिस्टम मकतब सिस्टम में नहीं पढ़ा सकते आप, तो फीमेल को ट्रेन करना जरूरी था। जब ट्रेनिंग सिस्टम ओपन की गई 20th century में, उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भारत की महिलाएं नहीं ली और एक शक भी था उन पर शुरुआती दौर में, जब गया गजट देखेंगे तो कि क्या अगर हम इनके एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे तो हमें क्रिश्चियन ना बना दें, हमारा फ्रीडम ना ख़त्म हो जाए, यानी रिलीजन और फ्रीडम का जो मसला है वो भी हमारे सामने आ जाता है। तो कैसे इसको दूर करेंगे? एक तरफ हमारा पैट्रियार्कल सिस्टम है, सोशली हम जो है बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड हैं, और थर्ड चीज इधर फीमेल टीचर का अभाव हमारे पास है, कैसे इसको हम लोग दूर करेंगे? सोशल ऑब्जेक्शन है ही। इसके अलावा सिस्टम ऑफ अर्ली मैरिज, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाना, ये भी एक हमारे ऑब्स्टेकल था, बहुत बड़ा बड़ा था। जब लड़कियां वो संभालती थी तब तक उनकी शादी ब्याह की बातें शुरू हो जाती थी, तो मैरिज के बाद पढ़ाई करना बड़ा ही मुश्किल काम है, हर कोई सावित्री बाई फुले नहीं बन सकती उस समय। सावित्री बाई फुले आई थिंक शादी के बाद ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई कर पाई थी, तो क्या वैसा समाज सबको मिल पाता? नहीं मिल पाया। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में तो दिक्कत थी ही, सोशल ऑब्स्टेकल जितने भी थे उसके अलावा हमारे जो पॉलिसीज थी वो भी हमारे लिए वीकेंड कर रहा था समाज को। फाइनली अगर हम देखेंगे इसमें तो 1897 के आसपास बहुत कम स्कूलिंग सिस्टम जो है हमारे पास उपलब्ध हो पाया था, और बिहार में जो राजे महाराजे हैं खास करके टिकारी महाराज की अगर हम बात करें गया में, या फिर बेतिया महाराज की बात करें उधर पश्चिम चंपारण साइड में, इन लोगों का इंटरेस्ट है। तो गजटियर बताता है हमें, गया गजटियर, कि फोर स्कूल जो है ओपन किए गए थे। तो आप लोग अगर कहीं देखे होंगे तो जिला स्कूल का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिला स्कूल बिहार में खास करके, तो मेरा स्कूलिंग चूँकि हुआ उधर तो मुझे पता है, मेरा सेंटर टाउन स्कूल में पढ़ा था, तो टाउन स्कूल लेट 19th century का फॉर्मेशन है, गया टाउन स्कूल, गया जिला स्कूल लेट 19th century का फॉर्मेशन है। टिकारी महाराज ने टिकारी में अपने एक स्कूलिंग सिस्टम ओपन किया, ठीक है, वो अपने फंड करते थे, यानी कि टोटल 4 स्कूल खोले गए थे गया में, उसमें से एक जो है गया का जिला स्कूल जो है वो गवर्नमेंट फंडेड था, बाकी 3 के 3 जो है खुद से यानी कि निजी तौर पे प्राइवेट फंडेड स्कूलिंग सिस्टम अप्रोच कर रहे थे वहाँ पर। तो देखते हैं हमें कि जब 1883 ऑनवर्ड यानी कि हंटर कमीशन ऑनवर्ड जब है प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स हैं टाइप के उनका जब इंट्रोडक्शन होता है तो सेकेंडरी स्कूलिंग सिस्टम में विस्तार देखने के लिए मिलता है हमें।
यानी कि प्राइवेट जब लोग आ जाते हैं, निजी तौर पे स्कूलिंग सेशन चलता है, और हाँ ध्यान है, निजी मतलब सिर्फ निजी नहीं होता है, वो गवर्नमेंट से एड प्राप्त कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल थे वो, ठीक है। तो गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल के बढ़ने से जो है मैनेजमेंट जो है प्राइवेट के पास होता था, बट एड जो देते थे वो गवर्नमेंट दिया करते थे। तो जब वो सिस्टम आया तो सेकेंडरी स्कूल में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, लेकिन प्राइमरी स्कूल अभी भी गवर्नमेंट के पास थी, जो कि जो सेपरेट स्कूलिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुका था। ये भी ध्यान रखना है, जब हंटर कमीशन के बाद रिव्यू हुई इनकी, तो बंगाल के पास भी आए रिव्यू करने के लिए कि क्या कोएड एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बंगाल का कोएड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो फीमेल एजुकेशन के बारे में सीधा मानना था, खास करके बंगाल को, कि हमारे यहाँ पहले से ही कोएड एजुकेशन है, हमारे सिस्टम में, हमारे सोसाइटी में हर एक जो कस्बा होता है उसमें जो लोग होते हैं वो भाई बहन होते हैं, ठीक है। तो भाई बहन होने के नाते जो है वो साथ में पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक ओवरऑल जो कमेंट आया कि नहीं हो सकता कोएड एजुकेशन, ठीक है। तो कोएड एजुकेशन के सवाल पे जो है बंगाल प्रोग्रेसिव था उस समय। थैंक यू। तो कोएड एजुकेशन सवाल पे जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा जो कि कंबाइंड थे, तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट आया कि हम कोएड एजुकेशन जा सकते हैं, तो हम देखने के लिए मिलता है, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कोएड एजुकेशन का, पूर्णिया का, और 1908 में सेक्शन हुआ था इसका, तो गर्ल्स स्कूल 27 थे प्राइमरी, इसमें 499 गर्ल्स पढ़ रही थी, इसमें दो मॉडल स्कूल थे। इसके अलावा देखेंगे तो 1174 गर्ल्स जो है बॉयज स्कूल में पढ़ रहे थे। इसका मतलब यह है कि कोएड एजुकेशन सिस्टम जो है एग्जिस्ट कर रहा था, और बड़े पैमाने पर बॉय स्कूल में भी लड़कियां पढ़ रही थी। इसका मतलब है ना कि अगर गर्ल्स स्कूल सेपरेट तौर पर अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो लड़कियां नहीं पढ़ रही थी, पढ़ रही थी इक्के दुके मिनिमम, यानी कि कहते हैं कि बिल्कुल एक्सेप्शनल केस में जो है वो लड़कियां पढ़ पा रही थी बॉय स्कूल में, यानी कोएड स्कूल एग्जिस्ट कर रहा था, साथ ही साथ और भी गर्ल्स की जरूरत थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में सरकार ने रियलाइज किया कि नहीं, गर्ल्स को एडुकेट करना जरूरी है। एडुकेट क्यों करना जरूरी है, फिर वही थ्योरी कि गर्ल्स को एजुकेट करेंगे तो फैमिली एजुकेट होगा तो जितना मेरे वफादार बनेंगे, ठीक है। तो वफादारी वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जुड़ता है, और गर्ल्स एजुकेशन को जो है प्रमोट करने की बारी आती है। थैंक यू।